सीधो हिसाब है हम के भोजेरी चढ़ी चढ़ी बिंदनी आई हमारा आ हा 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 हम के नरसी जी हम तो नरसी जी डरे एक नी दूध एक ने हम वाले भारीओ माम नरसी जी महाराज भगवान रा भजन करे नरसी जी रे कन जत खूब रुपया हा नरसी जी री एक छोरी हुई पहलोड़ी पहलोड़ी जो औरत ही उनने एक छोरी हुई उन छोरी ने नरसी जी पैसा लता खूब हा तो उन्नो ब्याव अंजार नगर में श्रीरंग जी रे घर में करायो उन लड़की रो नाम नानी बाई हो नानी बाई श्रीरंग जी रे घर में रहती नानी बाई कई वर्ष बीत गया करीब 20 साल रे बाद में नानी बाई रे घर में एक ब्याव मुंडियो नानी बाई रे बेटी रो अब नानी बाई री बेटी रो जो घर में ब्याह मंडियो महाराज किन प्रकार रो देखो घर रो माहौल है किन प्रकार रो घर रे मायने हां अब नानी बाई री एक बेटी ही उन्नो ब्याह मंडियो सारे घर रे माय उत्सव ही उत्सव वेगो है देखो महाराज किन प्रकार रो सब लोग भेड़ा बिया है नानी बाई री बेटी रो ब्याह मंडियो है तो पूरा परिवार रा सगा संबंध भेड़ा बिया है और ब्याह रे माय ने सब लोग भेड़ी वेन जाजम बिछाई है महाराज अरे नरसी जी री डीक दीने नानी बाई नाम जी नरसी जी री डीक दीने नानी बाई सब लोग भिड़ावे नरसी जीरी डीकरी ने नानी बाई नाम
नानी भाई रो ब्याह मंडियो, नानी भाई री बेटी रो और सारा लोग भेड़ा वेन दिन कियो। माघ कृष्ण भृगु सप्तमी माँ मीनारी अंधारी पक में हाथ उतरे दिन। अब हैंग लोग भेड़ा बिया है महाराज सब भेड़ा वेन। कुमकुम पत्री रो दिन है आज, कुमकुम पुत्री लिखीज रही हैंगर वास्ते। पहला बहुत नियम कायदा हूं काम वे तो कई 15-20 दिन पहला हैंग लोग जाग जमाते भेड़ा वेता। कुमकुम पित्री लिखी थी हैंग पहला मोटा ब्याई ने पत्रिका लिखी थी एडो एकदम बढ़िया तरीको हो। और महाराज सब लोग किया बैठता एक जाजम मत है, हैंग लोगों वास्ते एक जाजम बिछाई जाती है। आजकल कुंकू पत्रे तो लिखी ने दौड़ घर में मेहमान आवे जन बैठे सोफा मत जाजम बिछावना रीति खत्म कर दे। जाजम रे पीछे बहुत बड़ा बड़ा कारण है। पहला आपस में भाइया रे बीच में मन मुनाव दे तो अगर ओ भाई इन भाई नहीं बोलतो तो उन दिन ब्याह शादी रे दिन हैंग लोग भेड़ा वे दो ही भाया ने एक जाजम माते बिठावता और केवता कि अगर दोया रे मन में कोई भी ऊंची नीची बात हो तो जाजम रे नीचे गाल दो बात यूं झगड़ो मिट जा तो एक मिनट में। लेकिन आजकल जाजमा उड़गी ए पत्र नहीं उड़गा, हम तो सीधा ही सोफा माते पर किन्ने नीचे गाले बात ही महाराज सब मामलों ही खत्म कर दियो है? तो इन प्रकार जाजम बिची जी है हैं भाई बंद भेड़ा बिया। अब श्रीरंग जी महाराज नानी भाई रे ससुर जी श्रीरंग जी महाराज बैठा है हैं सगा संबंधी बैठा। अब बीच में ब्राह्मण आया जोशी जी आए ने केवन लागा कि अब पत्रिका लिखी जरी है पहला सांवरिया सेठ रे वास्ते बचे गजानन जी रे वास्ते बजे तीसरी पत्रिका तुलसी जी ने अर्पण करी और चौथी पत्रिका हैंगो मोटो जवाई कुण है हैंग घर में सास नडन देरानी जटानी हैंग पूरो परिवार बैठो है जुई नाम आयो के हैंगो मोटो जवाई कुण है कि कोई नहीं बोले चुप चा। अब महाराज नरसी जी महाराज रकन तो धन दौलत ही तब तो नानी भाई रो ब्याह कराए थे। इन 12 साल रे मायने नरसी जी तो है धन दौलत एक साल में लुटाई थी। मैं तो फकीर बाबू नाम में तो खाली एक हवेली इन अलावा कुछ नहीं। अब घना रे ससुर जी जानता हा सगा संबंधी जानता कि नरसी जी कने एक रुपये को नहीं। अबे पत्रिका मोटोड़ा ब्याई ने लिखनी है। अब मोटोड़ा ब्याई तो नरसी जी कोई नाम नहीं लेवे के नरसी जी ने बुलावो कोई चावेज नहीं। अब पूरा घर में सन्नाटो इताक में एक डोकरो उबो वियो डोकरो उबो वेन केवे डोकरान ध्यान कोनी थोड़ी थोड़ी दीखती अमल रे नशा में ज रेव तो डोकरो ओले ओले बोलियो हैंगो मोटा ब्याई तो नरसी जी है सा। नरसी जी है जन हैंग सगा संबंधी बोलिया लिखो सा नरसी जी ने पत्रिका लिखो। अब वे घरी जो लुगाया बैठी ही हैंग नानी बैरी सास नडन देरानी जटानी ए हैंग मन में विचार कर अब मोटियो ही आई हमें ए मारा ब्याह बिगाड़न वास्ते भजन गाउन ना आई मोटिया मारे सगा संबंधी ऐडा तो नहीं आवे तो इस ठीक है महाराज। अब माई माई गलियां देवे हैंग भेड़ी वेपरी ओहो अटने हैंग भाई लोग भेड़ा वेन पत्रिका लिखी जरी है नरसी जी महाराज रे वास्ते कि नरसी जी ने मायरा में इनवाइट करो उन्होंने पत्रिका देवो निमंत्रण देवो। अब नरसी जी महाराज ने पत्रिका लिखी जी। अब पत्रिका लिखिया बाद में घर में सब सन्नाटो है घर में सन्नाटो देखने थोड़ी देर में नानी बारी दादी सासू आई मंदिर हास नहीं हो दादी सासू नानी बाईरी दादी सासू घर में आवते ही देखियो कि हैंग लुगाया चुपचाप बैठी है। दादी सासू पूछे कहीं बात कहीं भी हो हैंग इतनी चुपचाप क्या बैठी हो। तब केवे कि अबे आ नानी रो बाप वो मोटी ही आपनो ब्याह बिगाड़न वास्ते मरेला उन्ने मैं चावा कोनी तो ही पत्रिका लिखनी पड़ रही है। इन प्रकार जुई केवन लागी डोकरी के बस इतनी सी बात देखो महाराज डोकरे बहुत होशियार वे हर चीज रो हल उड़ा रखे ने नानी बहरी सासू के बस इतनी सी बात ले अब आर हल निकालो।
भगवान जी पहले सासू के अब रेवा दोनी सासू जी बैठ जाओ थे कहीं थाने थान कोई समझ में आवे को नहीं फालतू कहीं इतनी सी बात मोटी बात मारो ब्याह बिगड़ जाओ थान इतनी सी बात लगे अरे डोक दादी सासू के वे अरे बिंदनी थारू तो थारी मुई तू नानी री सास लेकिन मुँह थारी सास ने मारे कन कई तरीका है थारे कन जितो तजुर्बो नहीं जितो मने बैठ मारे कन थन बताऊ बात बिटाई करे देख पहली ब्याह है पहली ब्याह में अगर नरसी जी आवेला तो अपनी बेटी रे वास्ते अपनी दोईती रे वास्ते मायरू लेन आवेला आपा यू करा कि इतो मायरो लिखा कुंकू पत्री में कि कुंकू पत्री पढ़ते ही फेंक ने ना ही जावे डोगरी मायरो भरी जेला कोनी और मायरा में आवी जेला कोनी आपनो ब्याह भी बचे अपनी प्रतिष्ठा मान भी बचो रह जाई और सब काम शांति हो जन महाराज बात ताई वेगी डोकरी रे केते ने नानी बारी सासू ने समझ में आएगी कर वारे वाह सासू जी वाह मैं थाने होस्ती के तो यूं ही बोझिया मरो लेकिन थे तो आज काम आया अबे है इन जना भेड़ा वेन महाराज देखो किन प्रकार सब भेड़ा विया है और सब भेड़ा वेन नानी बाई रो देवर नारायणन बुलायो हाथों हाथ बिठायो कागज और कलम मंगवाई और लेखक ने बुलायो आवो लिखो मायरो इतो मायरो लिखो इतो मायरो लिखो जिन्नी कोई कमी नहीं अब है भेड़ा वेन देखो महाराज सास नड़ंदी और देरानी जेठानी सब मिल बैठी आई राम जी सास नड़ंद और देरानी जेठानी सब मिल बैठी आई कलम कागज लिखवायो लेखक दियो बुलाय राम जी कात कलम कागज मंगवायो लेखक लियो सवा पच्चीस मण लिख दो सुपारी सवा पच्चीस मण रोरी राम जी सवा पच्चीस मण लिख दो सुपारी सवा पच्चीस मण रोरी सवा पच्चीस मण लिख दो गले और मेवाली बोरी राम जी सवा पच्चीस मण लिख दो गले वो और मेवाली बोरी हरी हजार थान में मुदिरा लिख दो साल दुसाला काम जी हजार थान में मुदिरा लिख दो साल दुसाला करोड़ रुपया रोकड़ी अस्सी हजार तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी अरे कागज में दोई आटा लिख दो यूं बोली डोकरी अरे कागज में दोई आटा लिख दो यूं बोली डोकरी हरी अरे कोई हद नहीं अरे पूरी डांट निकाली कोई सालारी कोई गली वे पर है अब कहीं कहीं लिखायो नारायणन बुलाए नारायण के लिख सवा पच्चीस मण लिख तो सुपारी हवा पच्चीस मण सुपारी इतना ने कहीं खाटो रान नहीं कर गई हवा पच्चीस मण एक ब्याह नारायण के वे अरे मम्मी एक तो हुपारी हूं तो पंडित जी पूरो कहीं एक नहीं पूरा गांव का क्या कर दे हवा पच्चीस मिनट रो कहीं नौकरी के बता रहा लिखना होगा मैं वे जितनी काम ले ले बाकी भेज दे पैसा आई ठीक सा लिखो
हवा 25 मन लिख दो सुपारी सवा 25 मन रोरी दीवार माते पोते जो को रोड़ी महाराज कोई कमीज नहीं अरे सवा 25 मन लिख दो कवे हो कले वो महाराज खाउन पे उनो सामान और मेवारी बोरी मेवा किया पंच मेवा हुको मेवो अंग्रेजी में केवे ड्राई फ्रूट है काजू पिस्ता बादाम ओहो एक बोरी भरने एक 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 काजू री बोरी एक एक बादाम री बोरी एक दाग एक पिस्ता री बोरी कोई कमी नहीं चीजा री बोरी बोरी ओई कम तो अबे केवे हजार थान में मुंदीरा लिख दो साल दू साला कपड़ा कोई हजार थान महमूदीन कपड़ा नो हो कोई चीज मंगाई है पचे इतना में हैंग भिलावे ना वैसे अरे ठट्टा करन मेरे सीरा।